स्वागत है आपका हमारे करियर आउट चैनल में। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे शहर में एक प्रतिष्ठित समारोह हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है सारण फिल्म फेस्टिवल, इसे लेकर आपकी क्या राय है? ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, अच्छी बात है। ये तीसरी सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसके लिए अभिषेक अरूर और उनके तमाम टीम को बहुत बहुत आभार आपके चैनल के माध्यम से। चूंकि छपड़ा नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन शहर बहुत बड़ा नहीं है, और इस शहर में अगर इस तरह के आयोजन के लिए कोई सोचता है तो बहुत बड़ी बात है। कर देना ऐसी कहा हो तो बहुत, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। अभिषेक अरूर ने किया है, आगे बढ़े हैं, और सबसे सुखद बात आपको मैं बता दूं कि जिस प्रेक्षागृह में अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, इस प्रेक्षागृह के लिए भी अभिषेक अरूर ने लड़ाई लड़ी थी, आवाज उठाई, सरकार के साथ बात की, और अभी वर्तमान में जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के MLC हैं विधान पार्षद डॉक्टर भीमराव यादव जी, और उनके साथ खड़े होकर के बात कही और उन्होंने मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई। सारण की जनता मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती है कि उनको एक कला संस्कृति विभाग से एक जगह मिला जहाँ से यहाँ बच्चे नाटक कर सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं। तो छपड़ा में अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो पूरे विश्व से कई कलाकार आए हैं, कई डायरेक्टर आए हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को लेकर के, इससे कई मायनों में फायदा होगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ के कई बच्चे जो हैं जिनकी इच्छा होगी कि आर्ट एंड कल्चर में कुछ अच्छा करें, फिल्म जगत में जाएं, कोरियोग्राफर बने, सिंगर बने, डायरेक्टर बने, म्यूजिक डायरेक्टर बने, या वो एक्टर बने, तो उसको प्रेरणा मिलेगी, उसको हिम्मत मिलेगा, उसको लगेगा यह आसान है। तो ये अच्छी बात है और ये होते रहना भी चाहिए। तमाम छपरा के लोगों को मदद भी करनी चाहिए इसके लिए, और अभिषेक अरूर जैसे लोगों को ईश्वर शक्ति दे। सर मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा है इस बार भी और इससे पहले भी कि अभिषेक अरूर एकल प्रयास से ये करते हैं लेकिन उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ता है, हर चीज़ को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जिस स्तर से प्रशासनिक या जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी दिखाई देती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसा वजह है कि वो सहयोग नहीं मिलता है जो हमारे शहर से उन्हें सहयोग मिलना चाहिए, उस सहयोग की भी कमी दिखाई देती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए पहले से ज़्यादा कुछ सहयोग मिली है लेकिन पर्याप्त नहीं है, और आप तो जानते हैं कि जो आगे चलता है अगुआ होता है उसे परेशानी होती है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में प्रशासनिक, सामाजिक और साथ साथ जो राजनीतिक सहयोग है वो भी मिलेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम के उद्घाटन में आपने देखा कि कला संस्कृति मंत्री स्वयं आए थे, माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा भी कि मैं कला संस्कृति विभाग से मदद करूंगा और आने वाले समय में भी मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। तो ये मुझे लगता है कि आयोजक जो हैं और अभिषेक अरूर की जीत है ये, और आने वाले समय में प्रशासनिक मदद मिलेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि हम लोग विश्वास में विश्वास रखने वाले लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि जरूर मिलेगी आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने, हमारे साथ अभी विक्की सर थे, रिवेल के संस्थापक हैं, ट्यूटर हैं और बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है, और इनका कहना है कि जो सारण फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया है इसको लेकर ये काफ़ी संतुष्ट हैं, हालांकि आगे सामाजिक और राजनैतिक तौर पे जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं, सहयोग जो मिलनी चाहिए आयोजकों को, उसके लिए भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो अगले वर्ष ये आयोजन जब आयोजित किया जाएगा तो उसमें बाकी लोगों का भी सहयोग मिलेगा।